हे वेलकम बैक टू आर चैनल मिस्टर इंडियन ट्रैवलर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप यूए में लैंड करने वाले हैं दुबई को छोड़ के किसी भी अदर स्टेट में यूए के, तो आपको आईसीए का अप्रूवल कैसे लेना है। अगर आप दुबई में लैंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जीडीआरएफ का अप्रूवल लेना है। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आपको आई बटन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। बट अदर स्टेट्स में आपको, अगर आप यूए के अदर स्टेट्स में लैंड कर रहे हैं तो आपको आईसीए का अप्रूवल लेना है, और वो कैसे लेना है आपको बताता हूँ। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें आगे भी इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए ट्रैवल से रिलेटेड। तो चलो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पर टाइप करना है www.smartservices.ica.gov.ae। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक में क्लिक करके भी आप इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट, नया अपडेट आपको बता देता हूँ। अगर आप इंडोनेशिया से आ रहे हैं तो आपको ना ही जीडीआरएफए का अप्रूवल चाहिए और ना ही आईसीए का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों का नया वीज़ा है उन लोगों को भी आईसीए का अप्रूवल नहीं चाहिए और जीडीआरएफए का भी नहीं चाहिए। और जिनके पास ओल्ड वर्किंग वीज़ा या रेसिडेंस वीज़ा, ओल्ड वीज़ा है, तो उन लोगों को जीडीआरएफए का और आईसीए का अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जैसे लिंक में क्लिक किया या गूगल पर टाइप किया, आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपनी करंट नेशनैलिटी डाल लेनी है। उसके बाद आपने नेम, इंग्लिश नेम आपने डाल लेना है, अरेबिक नेम, अरेबिक में आपने अपना नेम डाल लेना है। इसमें जेंडर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, मेल फीमेल, ओके। डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ आपने डालनी है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि आपका क्यूआर कोड जो है वो आपकी ईमेल आईडी पे ही आएगा, ठीक है ना। चाहे आप आईसीए का अप्रूवल ले रहे हैं या जीडीआरएफए का, जिसका भी ले रहे हैं उसके लिए ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपका अप्रूवल उसी में आएगा। और नेक्स्ट आपको मोबाइल नंबर, आपको यूनाइटेड स्टेट का यहाँ, सॉरी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स का आपने डालना है, यूएई का इसमें, ओके। और नेक्स्ट आपको पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, में आपको क्या, पासपोर्ट टाइप आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ऑर्डनरी, डिप्लोमेटिक, जो भी है। ऑर्डनरी ज़्यादातर वर्किंग वीज़ा या रेजिडेंस वीज़ा वालों का ऑर्डनरी होता है, ऑर्डनरी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर आपने डालना है, पासपोर्ट इशू डेट आपने यहाँ पर डालनी है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पर डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ईजी फॉर्म है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अराइवल इंफॉर्मेशन, एक्सेप्टेड अराइवल डेट, तो यहाँ पर आपने एक्सेप्टेड अराइवल डेट डालनी है। जैसे माना आज 11 तारीख है बट आप 25 को जाने वाले हैं, ठीक है ना, बट आप मोटा मोटा एक्सेप्टेड डाल सकते हैं, जैसे 22 की डाल लो, 22, 23, 24 डालो, 26, 27, 28, जो 2-4 दिन आगे पीछे का डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अराइवल पोर्ट आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है, जो भी है आपका, अबू धाबी एयरपोर्ट, ठीक है, अजमान एयरपोर्ट, जो भी है आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका डिपार्चर कंट्री, आप यहाँ से चूज़ करते हैं, जो भी है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, चाइना, कोरिया, जापान, जो भी है भाई यहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है एड्रेस इनसाइड यूएई, तो देखो एमिरेट्स इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना पहले सिटी, ठीक है ना, जो भी है, अबू धाबी, शारजहान, ओके। और उसके बाद देखो डिटेल्ड एड्रेस, आपने यहाँ पे पूरा डिटेल्ड में एड्रेस लिखना है, जैसे फ्लैट नंबर, ये वो, हाउस नंबर, सब कुछ प्रॉपर आपने इसमें अपना एड्रेस यहाँ पे आपने डाल लेना है, ठीक है, जो भी है एड्रेस उस जगह का आपने डाल लेना है इसमें। उसके बाद वैक्सीनेशन कंट्री, आपने यहाँ से अपनी वैक्सीनेशन कंट्री चूज़ कर लेनी है, जहाँ पर आपने अपनी आपको वैक्सीनेट किया था, ठीक है। उसके बाद है वैक्सीनेशन टाइप, आप यहां से चूज कर सकते हैं, जो आपने वैक्सीनेशन लगाई है, ओके। और नेक्स्ट है फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज डेट, आपने पहली वैक्सीनेशन की डोज यहां पे डाल लेनी है, यहां से डाल लेनी है आपने वैक्सीनेशन की पहली डोज, फिर डालनी है वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज, और वैक्सीनेशन की थर्ड डोज अगर आपने आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका है अटेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें देखो अटैच्ड इन्फो में आपको क्या डालना है, पासपोर्ट इमेज रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे पासपोर्ट का मतलब जो है, जो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज है वो आपने डालना है इसमें, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से, फर्स्ट एंड आगे का पीछे का दोनों डालना है आप इसमें आराम से, और स्कैन करके डालना है, बिल्कुल उसकी क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर, जो कि रीडेबल हो, मतलब उनको पढ़ने में आए, नहीं तो आपका अप्रूवल कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ से लेके जाएगा, यहाँ से मैं चूज करके इसको अपलोड कर सकता हूँ। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक है, तो गैलरी से आप कर सकते हैं आराम से स्कैन करके, ठीक है, आराम से डाल सकते हैं। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है फोटो, ठीक है, तो आप एक काम करें, जो पिक्चर आपने लिया है उसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, तो उसका वो उसकी एमबी कम हो जाएगी, वो केबी में आ जाएगा, तो आसानी से आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और पर्सनल इमेज आपकी, इसमें पर्सनल इमेज आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपने इसमें डाल लेनी है, वो भी यहाँ से चूज करके आप डाल सकते हैं। और आरटीपीसीआर टेस्ट रिजल्ट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं,
पीसीआर टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट अगर डालना चाहते हैं, कोविड 19 वैक्सीनेशन कार्ड अगर आप डालना चाहते हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये भी ऑप्शनल आप डालना चाहते डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ओके और नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, आपका यहाँ तक काम हो गया, डिक्लेरेशन उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना इस तरह से। इसमें लिखा है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इसमें फिल कर रखी है वो सब करेक्ट हैं, सही हैं, इस तरह से मतलब, ठीक है, तो आप इसको ओके कर लें। उसके बाद नीचे एक सेंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेंड में आप ऑप्शन कर लें, तो इसको सेंड कर लें। इसमें सेंड करने के बाद आपको मेल में आएगा कि आपका अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ करके, आपको जो भी है QR कोड आपका, उसमें आपका मेल में आपको स्टेटस मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो सिंपल था, बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको, मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।